असंप्रदायिक कीड़ा ही इनके दिमाग में घुसा हुआ है, जो प्रशासन और तमाम सारे लोगों के अंदर घुसा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यही पुलिस है। आप अभी देखेंगे बुराड़ी में एक घटना हुआ, बुराड़ी में पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें रिपोर्टरों पे ही FIR लादा गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को पुलिस दबा रही है, और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको प्रशासन तवज्जो दे रही है। जैसे लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड आ गया है कि छात्रों के मुद्दों का जवाब प्रशासन नहीं दे रही है, क्योंकि एक सरकार ने एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बना दिया है कि घोर मुद्दों पर शांति बरत लेनी चाहिए। संविधान तो 2014 से ही ध्वस्त किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। अब बात यह है कि आपके थ्रू, हम छात्रों के थ्रू, जनता कब अपना आँख खोलेगी? क्योंकि जनता की आँख खुल गई, जनता अगर आक्रोशित हो गई तो इस विश्वविद्यालय को भी बचा लिया जाएगा, संविधान को भी बचा लिया जाएगा, और देश में जो भी लोगों पर उत्पीड़न हुआ है उनकी सारी चीजों पर आज एक बहुत बड़ा जस्टिस भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे छात्र जो हैं मौजूद हैं अपनी NEP पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सोल जो है वो पढ़ाई नहीं कराता, किताबें जो मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं कराता, और जो है इनको ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस की जा रही थी, उसके बाद जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम की जो है कवायद चला दी है डीन से। डीन से इनकी गुहार यही है कि इस नीति को जो है वो बदलें और संवाद करें, पर डीन जो है अपने ही गुरूर में बैठे हुए हैं, सत्ता के गुरूर में बैठे हुए। शायद डीन भी जो है एक कहीं ना कहीं सरकार की चरणों में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी भी यही कवायद है कि कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को ध्वस्त किया जाए, जो हक अधिकार की बात जो छात्र करते हैं वो बात ना की जाए। यहाँ तक कि इन छात्रों पर धारा 144 तक लगा दी गई है, और कहा जा रहा है कि इनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, जबकि मैंने छात्रों से बात की तो वो लगातार ये बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट तक की गई है। क्यों क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग, क्यों बैठ गए यहाँ? ये पॉलिटिक्स नहीं है, अपने छात्रों को अगर अपना मांगना, अगर आज के 21वीं सदी के संदर्भ में अगर राजनीति बता रहे हैं कुछ सत्ता पक्ष के लोग, तो हमको साफ लगता है कि कौन पॉलिटिक्स बतिया रहा है और पॉलिटिक्स कर रहा है। अच्छा, जब पहले ऑफलाइन से आपको जो है प्रॉब्लम हो रही थी कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो अब ऑफलाइन कर दिया है, अब भी समस्या हो रही है, बोल रहे कि अभी जो क्लासेज है वो ऑनलाइन दी गई पर एग्जाम ले रहे हैं ऑफलाइन, तो क्या समस्या है? ऑनलाइन पढ़ाई हो तो रही थी अच्छी खासी। ऑनलाइन पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही थी, हमको लग रहा है इस देश के जो पिछाड़ी बच्चे हैं, यानी जो वर्ग व्यवस्था में पीछे हैं, जातिगत रूप से जिनका हमेशा से शोषण होता हुआ है, अगर वो इसका जवाब दें तो बेहतर रहेगा कि कितनी बेहतरी थी ऑनलाइन एजुकेशन में और कितनी बेहतरी हो गई है, और शिक्षा का वृद्धि कितना हो गया ऑफलाइन एजुकेशन में। बात जो रहा ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी का, तो एक जो बहुत बड़ा एग्जांपल निकल कर आया है या जो एविडेंस निकल कर आया है ऐश्वर्या रेड्डी का, एक सवर्ण ना होने के कारण, एक आर्थिक रूप से सक्षम परिवार से ना आने के कारण उनको जो भेदभाव का शोषण का जो उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, शायद हमको लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय में वैसे बहुत कम लोग होंगे जिनको आज सत्ता पक्ष के लोग शिक्षा देने के पक्षधर में भी होंगे। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डिजिटल डिवाइड का बेहतर एग्जांपल ऐश्वर्या रेड्डी के शहादत में है, हमको लगता है उसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम ये बात कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन था, बहुत ही इक्विटेबल फॉर्म ऑफ एजुकेशन था। अभी जो है देश में महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, आप शिक्षा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। देखिए महंगाई कितना बड़ा, मेरी पंडित परेशान हो रहे हैं, वो मुद्दा है और आप शिक्षा मुद्दा बना रहे हो। देखिए कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जरूर बनाए, और ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी में जो हुआ वो निंदनीय नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो लकुने निकल कर आ रहा है कि संघ के कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा ऐसा है कि उनकी पीठ अटकी हुई है 79 के कश्मीर में और उनका टाइमलाइन 90 में ख़त्म हो जाता है।
तो कश्मीरी पंडित के साथ जो जेनोसाइड कह रही है बीजेपी, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे एक बार पूछिएगा कि 7 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, उसके पहले सरकार जब कश्मीरी पंडितों के साथ जब हो रही थी तब सरकार में आपका समर्थन था। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो ये 11-12 सालों में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर दिया बजाय इसके कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके वोट बहुत बटोरे। तो ये सवाल उनसे पूछिएगा जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लुटियंस दिल्ली में एसी की हवा खा रहे हैं। सरकार कहती है ये छात्रों को मुद्दा बनाने की बड़ी आदत है, पॉलिटिक्स में आना है आपको? पॉलिटिक्स की बात और मुद्दा बनाने की बात, तो इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं राजनेता बना गुजरात नवनिर्माण आंदोलन से जो 1974 में हुआ था जिसके कारण गुजरात सरकार गिरी थी। तो मुद्दा बनाना और राजनीति करना और राजनेता बनाना ये हमको लगता है मोदी साहब बेहतर बताएंगे। क्यों जुटे हैं यहाँ पे आपके? मांग यही है कि धारा 144 दिल्ली, जहां पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ करके अपनी अच्छे और बुरे को जानते हैं, और अब जब OBE की डिमांड को छात्रों की डिमांड को वाइस चांसलर DU प्रशासन नहीं मान रहा है, इसके लिए प्रदर्शन हो रहा था, उसको दबाने के लिए यहां पर धारा 144 लगाई गई थी। तो पहली डिमांड ये है कि 144 हटे ताकि छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए और जोर से उठा पाए, और साथ के साथ में OBE की जो डिमांड है छात्रों की डिमांड को माना जाए। माई डिमांड यही है हमारी। तो जवाब क्या दे रहे हैं डीन? आपने पत्र वगैरह दिए, तो जवाब क्या दे रहे हैं डीन? हमको लगता है कि सरकार के रवैये से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं, क्योंकि सरकार के ही पिट्टू हैं। तो सरकार जब मुखबिरी और घोर समस्याओं पर जब शांति बरत लेती है, तो वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन में बैठे डीन साहब भी शांति बरत लेते हैं, मौन व्रत पर चले जाते हैं। तो पत्र तो उनको जाता है, लेकिन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्र पर क्या उन्होंने क्रियान्वयन किया उसका जवाब छात्रों को कभी नहीं मिलता है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये अभी की चीज़ है। इसके पहले विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर और डीन जब बैठते थे तो छात्रों की तरफ उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड आ गया है कि छात्रों के मुद्दों का जवाब प्रशासन नहीं दे रही है, क्योंकि एक सरकार ने एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बना दिया है कि घोर मुद्दों पर शांति बरत लेनी चाहिए, शायद उससे ये जो प्रदर्शनकारी हैं शांत हो जाए। तो हम उनको संदेश देना चाहते हैं, प्रदर्शन और इनकलाब कभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि मुद्दे जो सुलझाने की आपकी नीयत थी वो कभी थी नहीं। शिक्षा नीति जो है उसको ध्वस्त किया जा रहा है सरकार के द्वारा। शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों को ध्वस्त किया जा रहा है, और एक बड़े लंबे समय से किया जा रहा है। लेकिन जो फैसिस्ट ऑनस्लॉट है 2014 के बाद, जो हिंदुत्व फोर्सेस के राइज के बाद हमें देखने को मिलता है, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हर एक ईंट जो बाबा साहब अम्बेडकर के देन से और आज़ादी के आंदोलन से लगी थी, उस हर ईंट को उखाड़ कर फेंक देने की चाहत रखती है और मंशा रखती है ये सरकार। तो उस एक एक ईंट को जहां वो था वहां पे बरकरार रखने के लिए भी विश्वविद्यालय में ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये देश में संविधान का राज होगा, जब तक मनु का राज नहीं आएगा, और जब तक ये लोग भारत को संविधान से ना चलने के सिवाय कह देंगे कि मनुवाद से चलेगा, तो तब तक तो हम लोग लड़ेंगे। संविधान ध्वस्त करने की जो है कवायद चल रही है। संविधान तो 2014 से ही ध्वस्त किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। अब बात यह है कि आपके थ्रू, हम छात्रों के थ्रू, जनता कब अपना आँख खोलेगी? क्योंकि जनता की आँख खुल गई, जनता अगर आक्रोशित हो गई तो इस विश्वविद्यालय को भी बचा लिया जाएगा, संविधान को भी बचा लिया जाएगा, और देश में जो भी लोगों पर उत्पीड़न हुआ है उनकी सारी चीज़ों पर आज एक बहुत बड़ा जस्टिस भी हो जाएगा। ये लोग लोकतांत्रिक समाज में भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कि ये कपड़ा दे के पहचान जाए कौन किसी जाति का धर्म का है? भाई विश्वविद्यालय का छात्र है, पढ़ने लिखने आ रहे हैं, वहाँ भी आप कपड़े घुसा रहे हैं। इनके दिमाग में दरअसल जो सांप्रदायिक कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो सांप्रदायिक कीड़ा ही इनके दिमाग में घुसा हुआ है, जो प्रशासन और तमाम सारे लोगों के अंदर घुसा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यही पुलिस है। आप अभी देखेंगे बुराड़ी में एक घटना हुआ, बुराड़ी में पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय रिपोर्टरों पे ही FIR लादा गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक
तरीके से आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को पुलिस दबा रही है, और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको प्रशासन तवज्जो दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं जहां जहां भी, एमपी में अभी देखिए एमपी की क्या घटना थी भाई। एमपी का पत्रकार था जो बीजेपी के विधायक के खिलाफ, ना वो एमपी वाला जो पत्रकार था वो अमर उजाला नहीं, वो दरअसल जो बीजेपी का विधायक था उस विधायक के खिलाफ कुछ दिखाया था भाई, वो गलत किया था तो उसके कपड़े उतरवा के थाने में रखवा दिए। बलिया जिला का भाई, बलिया जिला का पत्रकार क्या किया, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ था तो पेपर लीक करना वो दिखाया। अब दिखाया तो वहां का जो डीएम साहब थे वो बोले कि भाई तुम सोर्स दिखाओ, जब वो भेज दिया तो उसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज किए और बोले कि भाई ये जो पत्रकार है ये उस पेपर लीक में सम्मिलित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पूरे देश के प्रशासन का जो पूरा रवैया है ये रवैया किस तरीके का है कि जो लोग भी भाई पढ़ने लिखने की बात करेगा। बीसी साहब से कभी फेस ऑफ हुआ? बीसी साहब मिलते ही नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब आए, पुलिस का क्या काम है भाई, वाइस चांसलर साहब आते हम लोगों से डायरेक्ट मिल लेते, हम लोग बात कर लेते, लेकिन वीसी साहब तो मिलते ही नहीं है, वो तो पता ना कहां गायब रहते हैं। हमें क्यों बने मिलने जा रहा बताइए, वीसी साहब मिलते नहीं है पुलिस को, राजदूत अब क्या बेसिक सा क्वेश्चन था कि धारा 144 आखिर यहां पे अभी तक क्यों इंपोज्ड है, इसका जवाब नहीं मिला। धारा पता नहीं क्यों, हम लोग तो पढ़ना लिखना चाहते हैं भाई, हम लोग कोई किसी भी तरीके का वो नहीं चाहते हैं, लेकिन धारा 144 का ये हवाला देते हैं और उसके बाद से तमाम सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे एफआईआर कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए धारा 144 लगी? अरे सुरक्षा क्या आप कर रहे हैं भाई, एफआईआर दर्ज करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं को लाठी मार के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें डिटेन करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कब आप कर रहे हैं, एकदम सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। हम तो भाई लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं भाई, हम ऑफलाइन क्लासेज चाहते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार और दिल्ली पुलिस का जो गठजोड़ है ये लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना चाहता है। दरअसल कैंपस में ये अघोषित आपातकाल लगा दिया है, जब तक ऐसी धाराएं रहेंगी जब तक ऐसे कानून रहेगा हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। ये लोग एकदम सीधे सीधे झूठ बोल देते हैं भाई, इन लोगों का क्या है, अभी आप निकलवा लीजिए थाने से किस एक्टिविस्ट पे कितना वो है, ठीक है, सारे एक्टिविस्टों पे केस लगा के ये लोग रखे हैं, दबाना चाहते हैं आवाजों को। लड़के पढ़े लिखे ना, लड़के चले जाए अपने घर, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन यही चाहता है कि पढ़ाई लिखाई ना हो, बच्चे घर चले जाए, पुलिस एफआईआर कर रही है, यही विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है। तो यही बात है, सरकार कहती है छात्र तो है लगातार जो है राजनीति करते हैं, राजनीति में आना है भाई। देखिए छात्र पढ़ाई लिखाई की बात करेगा तो आपको राजनीति लगेगी, छात्र अपनी लाइब्रेरी की बात करेगा, सस्ती शिक्षा की बात करेगा, फ्री एजुकेशन की बात करेगा, आपको राजनीति लगेगी। अब भाई जब यही राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, मानिए कि हम राजनीति कर रहे हैं भाई, हम पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, आपको राजनीति लग रहा है तो कर रहे हैं राजनीति, आपको जो करना है करिए। तो शिक्षा ही इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है, कश्मीर फाइल है, पंडितों पे जुल्म हो रहा है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, शिक्षा आप मुद्दा बना रहे हैं बताइए। नहीं, सरकार कह रही है शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। हम जब विश्वविद्यालय में है तो हमारे लिए शिक्षा ही मुद्दा है। अंबेडकर ने एक बात कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो भाई हम शिक्षा लेने आए हैं, हम लोग अपनी पीढ़ी के पहले लोग हैं जो भाई आए हैं विश्वविद्यालय में, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन ये प्रशासन और ये पुलिस शांति नहीं होने देना चाहती है। 144 लगा रही है, हम लोगों पे 188 धारा लगा रही है, ये सब चीजें ये प्रशासन डरवाने का अड़काने का काम कर रहा है। 144 लगाई क्यों, ये बताया इन लोगों ने? अब पता सुरक्षा के लिए ही तो लगाए जा रही है। अरे वो कौन सी सुरक्षा भाई, बोला जा रहा है वो कौन सी सुरक्षा जिसमें हमारे पे एफआईआर होगा, वो कौन सी सुरक्षा है जिसपे लाठी मारी जाएगी, वो कौन सुरक्षा है जो महिलाओं को घसीट के बसों में डाला जाएगा, ये कौन सी सुरक्षा है? यदि यही सुरक्षा है तो हमको इस सुरक्षा से खतरा है, हम इनकी सुरक्षा नहीं चाहते हैं, चाहते बिल्कुल भी सुरक्षा, हम इनकी सुरक्षा के लिए हम इनकी ऐसी सुरक्षा नहीं चाहते हैं जिसमें लाठी मारे, जिसमें महिलाओं को घसीट के बसों में फेंके, जिसमें ऐसा नहीं किया है, बोला भी जा रहा है ऐसा नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ ये लोग बोलने वाले लोग हैं, पूरा एकदम झूठ बोलते हैं ये झूठ, इस झूठे लोग हैं, अब इनसे क्या वीडियो दिखाएं, सारी चीजें दिखाएं। ये जो है डीन है तो आपसे संवाद करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अब पता नहीं क्यों संवाद नहीं करना चाह रहे हैं, उनको तो हम बुला रहे हैं कि आप लोग आइए भाई, संवाद कीजिए, बातचीत करिए, पढ़ना लिखना बच्चे चाहते हैं, पढ़ने लिखने दीजिए कम से कम, लेकिन वो तो ये नहीं करने देना चाहते हैं। अब पता नहीं इनका क्या ईगो है कि वो हम लोगों से नहीं मिलने देना चाहते हैं। डीन भी मतलब डीन जो है प्रधानाचार्य इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डीन है वो भी मतलब ईगो में बैठे हुए हैं, एकदम वो ईगो में बैठे हुए हैं,
हम बच्चों से नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि बच्चे सस्ती शिक्षा की बात करते हैं, 24 घंटा लाइब्रेरी की बात करते हैं, ऑफलाइन क्लासेज की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, हम नहीं मिलेंगे बच्चों से। ऑफलाइन तो कर दिया, आप क्या समझते हैं? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ भाई, BA फर्स्ट ईयर के छात्रों का ऑफलाइन क्लासेज नहीं है, आप जाके पता कीजिए। मास्टर फर्स्ट ईयर के छात्रों का ऑफलाइन क्लासेज नहीं है, और जिन छात्रों का ऑफलाइन हुआ भी है तो उन छात्रों को 60 और 40 में रख रहे हैं, यानी कि 60% ऑफलाइन और 40% ऑनलाइन। हम लोग चाहते हैं कि शुद्ध रूप से ऑनलाइन, शुद्ध रूप से ऑफलाइन हो, हम लोगों का यही डिमांड्स है। ठीक है, तो अभी आगे जो है आपका कदम क्या रहेगा? आगे कदम हम लोग रणनीति बनाएंगे, छात्र जितने भी सारे छात्र हैं वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, जो भी होगा वो करेंगे। आगे सरकार से कोई गुहार है? दिल्ली सरकार से हमारी यही गुहार है कि भाई जितना FIR हो रहा है ये छात्रों पे, आप ही की सरकार है, वो FIR वापस कराइए, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ भी मोर्चा खोलने वाले हैं। अम्बेडकर का नाटक चला रहे हैं वो। अरे ये नौटंकीबाज आदमी भगत सिंह, ये भगत सिंह और अम्बेडकर का नाम लेके सीधे सीधे उन लोगों के खिलाफ वाला काम करता है ये आदमी। एकदम पूरे तरीके से खिलाफ काम कर रहा है आदमी। उसी के अंडर में कई सारे दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज हैं जिसमें परमानेंट वैकेंसियां नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप यहाँ की अब दिल्ली सरकार के बारे में बात करेंगे तो लंबा बात हो जाएगा, बहुत सारी कोई बात नहीं लंबा बात कर। अब जैसे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के ये पुलिंदा बांधते हैं भाई, आप जाइए यहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय की जितनी भी झुंगिया है, दिल्ली के जितने भी झुंगी वाले इलाके हैं, उन इलाकों में आप घूम के वहाँ के बच्चों की आप हालात का पता करिए। हम लोग कई जगह पढ़ाने भी जाते हैं, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल बना दिए सारे सरकारी। अरे ये स्मार्ट स्कूल, दो चार स्मार्ट स्कूल बना के देखिए, ये दरअसल मोदी के ये काका है, ठीक है। मोदी यदि 2 रुपये का वो प्रचार करते हैं तो ये 8 रुपये का कर देते हैं, मतलब विज्ञापनों पे तो ये मोदी को और भाजपा को ये पीछे छोड़ने वाले आदमी है। ये यही इनका काम है कि काम कम करना है, उसका मतलब झूठ बोल के विज्ञापन देना बहुत ज़्यादा है, इनका यही काम है। और इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनका शिक्षा व्यवस्था कोई मॉडल नहीं हो सकता है। तमाम सारे बच्चे हैं जो भाई एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तमाम सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें शिक्षक नहीं है। आप कर क्या रहे हैं आखिर? आप घूमिए, आप लोग तो रिपोर्टर हैं, मैं तो बता रहा हूँ कई जगहों का नाम मैं बता दूंगा, आप जाइए वहाँ पे, आप पता कीजिए कि उन बच्चों का क्या हालात है। आप DPS और ये कैनाट प्लेस CP इधर उधर के स्कूलों का 2-4-10 स्कूल का बेहतर बना देंगे, इसका मतलब क्या है कि पूरे दिल्ली का स्कूल बेहतर हो गया? ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे दिल्ली के स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसी बस्तियों के स्कूल हैं जिन बच्चों को आप पढ़ा, हम लोग जाते हैं, खुद ही हम लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए, 9th-10th के बच्चे हैं जिनको 6 और 5वीं की मैथ नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये दिल्ली सरकार ये झूठ बोलती है, तो ये शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की पूरी कवायद है एकदम सरकार की। हाँ, सरकार की पूरे तरीके से कवायद है कि आप लोग पढ़िए लिखिए मत, आप लोग केवल सांप्रदायिक रंग में रंग जाइए, आप लोग नौकरी मत मांगिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई मत करिए, आप लोग लाइब्रेरी के लिए आवाज़ मत उठाइए, आप लोग फ्री शिक्षा के लिए आवाज़ मत उठाइए। विश्वविद्यालय और ये पूरा ये जो सरकार है यही चाहती है कि आप लोग शांति होकर बैठिए, चुपचाप अंधभक्त बन के रहिए, यही ये सरकार चाहती है। जबकि भाई ये देश भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम सारे क्रांतिकारियों का देश है। और भाई अब ये चीज़ें तो होगा, ये बेरोजगार छात्र रहेंगे तो आवाज़ तो उठाएंगे। भक्त बन जाइए ना, तो फिर वहाँ पे आपको कोई ना कोई पद भी मिल जाएगा, भक्त बन रहे हैं तो। अरे इन भक्तों का, इन चापलूसों और चाटुकारों का क्या ली है इन चापलू भाई, इस देश में बहुत सारे ऐसे आइडियल लोग हुए हैं जिन लोगों के वजह से इस देश का लोकतंत्र बचा हुआ है, मतलब लोकतंत्र बना हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी थोड़ा बहुत राइट्स मिला हुआ है, ये पूरे तरीके से उसको कुचलना चाहते हैं। अब भक्त जो भक्त बनता है उसकी हश्र भी क्या होता है, इनका इनके काका भक्त थे, इनके बाप जो सावरकर थे भक्त तो थे भाई, सावरकर थे अंग्रेजों के भक्त, लेकिन इतिहास में हम लोग आज देखते हैं कि उनका कौन सा स्थान है भाई। अब ऐसे भक्तों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये चाटुकारों की श्रेणी में आएंगे, और जो लोग आज लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई, चाहे डेमोक्रेटिक स्पेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई उनका नाम लिखा जाएगा अच्छे अक्षरों में।